नमस्कार, मैं अजमत नूरी, पाठ्यक्रम समन्वयक 508, शीर्षक प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा का अधिगम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले इस विषय के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ साथ इसके सीखने के प्रतिफल के बारे में भी आपसे बात करूँगी। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात आप कला के विभिन्न प्रकारों तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की संकल्पना को समझ सकेंगे और साथ ही साथ आप शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर कार्य की शिक्षा की आवश्यकता, इसकी संकल्पना तथा प्रकृति के बारे में भी जान सकेंगे। यह पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का है, जो 120 अध्ययन घंटों के समकक्ष है। इसके 3 खंड हैं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं। खंड 1 कला शिक्षा, खंड 2 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, खंड 3 कार्य शिक्षा। आइए अब हम खंड 1 शीर्षक कला शिक्षा का अवलोकन करते हैं। कला शिक्षा अधिगमकर्ताओं के मध्य सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। ये समाज की संस्कृति को समझने एवं आदरण करने के लिए जीवन कौशलों की समृद्धि, मूल्यों को मन में बैठाने और संवेदनशीलता विकसित करने में सहायता करता है। ये खंड 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई 1 कला और कला शिक्षा की समझ, इकाई 2 दृश्य कला एवं शिल्प, इकाई 3 प्रदर्शन कला, इकाई 4 प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कला शिक्षा की योजना व संगठन, इकाई 5 कला शिक्षा में मूल्यांकन। अब हम खंड 2 शीर्षक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को समझेंगे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों का एक अनिवार्य अंग है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का शैक्षिक उपलब्धि, संवेगात्मक स्थिरता और अंतर्व्यक्तित्व संबंध पर एक सकारात्मक प्रभाव है। ये सभी शिक्षकों के प्रभावी प्रशिक्षण से संभव हो सकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी तरह संरचित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक है। ये खंड 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई 6 स्वास्थ्य का अर्थ एवं अभिप्राय, इकाई 7 विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य पहलू, इकाई 8 आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ, इकाई 9 शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणाएँ, इकाई 10 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना और संगठन, इकाई 11 खेल क्रीड़ा एवं योग। इस पाठ्यक्रम का अंतिम खंड है कार्य शिक्षा। ये कार्यक्रम प्रशिक्षु अध्यापकों को कार के महत्व, हस्तचलित कार को विद्यालय शिक्षा के एक अनिवार्य अंग के रूप में समझने का अवसर प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों को विषय के विविध पाठ्य सहगामी क्षेत्रों जैसे भाषा विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, कला शिक्षा और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करने में समर्थ बनाएगा। ये पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों में बच्चों के निर्धारण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर तथा अन्य प्रतिवेदनों के द्वारा मूल्यांकन के कौशलों को विकसित करेगा। ये खंड 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई 12 कार्य शिक्षा की अवधारणा, इकाई 13 कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन, इकाई 14 कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास, इकाई 15 विद्यालय में कार्य शिक्षा एवं समुदाय, इकाई 16 कार्य शिक्षा में मूल्यांकन। अंत में मैं आप सबको पाठ्यक्रम के संरचना के बारे में पुनः बताना चाहूँगी कि यह पाठ्यक्रम 3 खंडों तथा 16 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इस शिक्षण के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।